किसान भाइयों, पूर्वांचल का भी मौसम अब खराब हुआ है और लगभग 12 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा का बहाव भी हुआ है और जिसकी वजह से देखिए सिल्की की फसल भी गिर गई है। पूरी फसल नहीं गिरी है लेकिन कुछ पौधे गिर गए हैं। देखिए तो इस तरह से देखा जाए तो नुकसान ही है और फसल पकाव में है। सिल्की कृषि धान कंपनी का आता है और मोटी वैरायटी है और फसल पककर अब तैयार होने की स्थिति में हो चुकी है। लगभग 10 अक्टूबर तक यह फसल कट जाती। अब देखिए वहाँ भी फसल गिर चुकी है और वहाँ भी देखिए फसल गिर चुकी है और आगे भी आपको दिखाते हैं, आगे भी फसल गिरी है। तो किसानों का काफ़ी नुकसान होता है जब मौसम ख़राब होता है, बारिश तो हो नहीं रही है जबकि बारिश की बहुत ज़रूरत है ख़ासतौर पर किसानों के लिए, और हवा बहने की वजह से फसल गिर गई है। वर्तमान में भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसमें हवा बह रहा है। यदि इसी में तेज़ बारिश हो गई और हवा इसी तरह से बहता रहा तो हमको लगता है एक पूरी फसल गिर जाएगी। अब कहा तो जाता है कि गिरने के लिए सहनशील है लेकिन अब आधी के लिए थोड़ी सहनशील है, आधी बहेगा और तेज़ बारिश होगी और इस स्थिति में जो है फसल गिर जाएगी। अब देखिए वहाँ फसल गिरी है, यहाँ भी फसल गिर गई है और उधर आगे भी फसल गिर गई है। तो बारिश से यही होता है और यदि केवल बारिश भर होती तो ऐसा नहीं होता, फसल नहीं गिरती, चूँकि आधी बह गई इस वजह से फसल गिर गई है। अब जहाँ की बालियाँ ज़मीन धर ली हैं वहाँ पर नुकसान देखने को ज़्यादा मिलेगा, कटाई करते समय भी दिक्कत होगी और इसी तरह से यदि मौसम रहा तो हो सकती पूरी फसल भी गिर सकती है। और बताया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि 4 से 5 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। और फसल काफ़ी शानदार थी, देखिए बालियाँ कितनी शानदार हैं, मोटे धान की वैरायटी है यह, 125 दिन का समय लेती है और काफ़ी नामी वैरायटी है, इसमें कल्लों का फुटाव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखिए कितनी शानदार लग रही है फसल, लेकिन गिरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर इसी तरह से मौसम रहा तो काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। अब देखिए बगल में भी एक धान की फसल है जो पूरी तरह से पककर तैयार होने की स्थिति है। यह भी फसल लगभग 10 अक्टूबर तक कटाई करने योग्य हो जाएगी लेकिन हवा बहने के बावजूद यह फसल नहीं गिरी है। और यह वैरायटी है CHR 846 और यह क्रिस्टल कंपनी की आती है, 120 दिन की वैरायटी है। अब हो सकता है आने वाले समय में यदि बारिश होती है और हवा तेज़ गति से बहता है तो हो सकता है इस पर भी असर हो। ऐसा थोड़ी है कि यह नहीं गिर सकता है, गिरने के लिए कोई भी धान गिर सकता है, लेकिन अब वहीं सिल्की गिर चुकी है लेकिन यह वैरायटी नहीं गिरी है, अभी मोटे धान की वैरायटी है। अब देखिए कितनी शानदार इसकी भी बालियां हैं और 10 अक्टूबर तक इसकी कटाई होने की स्थिति है। अर्ली वैरायटी है तो जिनका खेत उचास होता है थोड़ा या मध्यम ज़मीन होती है तो अक्सर वो अर्ली वैरायटी का चुनाव करते हैं। और यह फसल कहीं से, अब देखिए वीडियो के माध्यम से, कहीं से नहीं गिरी है और केवल बादल दौड़ रहे हैं लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है, वही थोड़ा बहुत झींसा वगैरह पड़ रहा है। और किसान लगभग 10 दिन से खेतों में पानी भी चला रहे थे और वर्तमान में भी सोच रहे हैं कि बारिश हो जाए लेकिन हवा न बहे, लेकिन हवा की स्थिति यह है कि चलती ही जा रही है, यदि ज़्यादा स्पीड से बहेगी तो निश्चित तौर पर इस तरह की फसलें नुकसान में पहुँच जाएंगी। और जिन किसान भाई का यह है उन किसान भाई के माथे पर बल तो आ ही हो गया होगा क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वर्तमान में भी हवा बह रही है। तो देखिए देखा जाए तो यह वैरायटी हम कह सकते हैं कुछ हद तक सहनशील है क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा बहने के बावजूद भी यह वैरायटी नहीं गिरी है, मोटे धान की वैरायटी है और यह क्रिस्टल कंपनी का आती है, CHR 846 धान है यह। तो काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, अब देखा जाए आने वाले समय में इसकी खूबसूरती बचती है कि नहीं बचती है। तो देखिए मौसम पूरी तरह से ख़राब है और बादल खूब दौड़ रहे हैं, बारिश कुछ नहीं हो रही है, वही थोड़ा थोड़ा फुहारा मार रहे हैं। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है और बारिश की बहुत ज़रूरत थी हमारे पूर्वांचल में, ख़ासतौर पर गोरखपुर बस्ती खलीलाबाद के एरिया में। तो अब देखिए बारिश होती है नहीं होती है, तो यही सब जानकारी देना था आप लोगों को। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।